नहीं, दलित को और पिछड़े वर्ग को भी उसके मुख्य धारा से अलग करके रख रही है। मैं एक उदाहरण और बताना चाहता हूं कि देश के जितने भी पब्लिक सेक्टर संगठन होते हैं उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था होती है, यानी जितना भी संगठन है उसके संचालन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम 10 से 15 सदस्य होते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी किसी भी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और दलित का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो हम आगे नहीं काम कर सकेंगे। अभी अभी हमने सुना कि हमारे जो कल्याण अति पिछड़ा कर्मचारी कल्याण संघ भी जिसके बैनर पर हम मीटिंग कर रहे हैं, ये भी यहाँ मौजूद है, लेकिन मेरी नजर में आपका संगठन जिसको जिसका प्रतिनिधित्व अभी सुरेश शर्मा जी ने बड़े जोरदार ढंग से बखावत की, यह संगठन भी हमारी नजर में बिल्कुल मुर्दा के समान है, थोड़ा भी जिंदा नहीं है। आप समझते हैं कि मैं थोड़ा बुरा लगा दे मेरी बात, मैं इसलिए मुर्दा कह रहा हूं कि संगठन का मुख्य काम है कि जहां भी अति पिछड़ा वर्ग का हकदारी हो वो कम से कम सामाजिक स्तर पर रेडियो अखबार के माध्यम से संगठन प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के प्रति विरोध प्रकट करे और अपने हक के मांग के लिए जुझारू संघर्ष करे। मित्रों, बिहार में कुल मिलाकर 12 विश्वविद्यालय हैं, 12 विश्वविद्यालय में कल कुलपति और प्रतिकुलपति मिलाकर 24 पदाधिकारी होते हैं, लेकिन 12 विश्वविद्यालय में से 7 अकेले राजपूत जाति के, 1-2 ब्राह्मण, उसमें न तो कोई पिछड़ा, न अति पिछड़ा, न दलित, न मुसलमान, लेकिन यह संगठन आज तक कभी आवाज नहीं उठाया कि ऐसा अन्याय क्यों। उसी तरह से बिहार में टोटल 12 कुल सचिव का पद होता है, अब 12 कुल सचिवों में टोटल के टोटल ब्राह्मण, लेकिन आश्चर्य की बात है कि पिछड़ा वर्ग के दम भरने वाले तथा कथित सैकड़ों संगठन का आज तक कहीं मुंह नहीं खुला। मित्रों, माँ भी अपने बच्चे को तब तक नहीं पिलाती, कोई भी माँ अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब बच्चा रोना शुरू नहीं करता है। अगर हमारे हक का हकमारी हो रही है तय है और आगे भी होगा, लेकिन हकमारी तब बंद होगा जब अपने हक के लिए हम संगठित होकर सरकार का विरोध करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तभी हमको अधिकार मिलेगा, जो नहीं हो पाया। एक छोटा सा उदाहरण हम केवल देना चाहते हैं, बहुत नहीं, छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं। पटना विश्वविद्यालय, अब जिसके उदाहरण भी आपके कामेश्वर पंडित जी हैं, पटना विश्वविद्यालय में 2003 में अपॉइंटमेंट व्याख्याता पद का अपॉइंटमेंट हुआ था, टोटल 104 पद थे और 104 पद में 91 आरक्षित कोटा के आए, अभी जिसके जिसमें से एक अभी कामेश्वर पंडित जी बोल रहे थे तो भी उसके उदाहरण थे। कारण क्या था, पिछले 60 साल में पटना विश्वविद्यालय में मात्र 6 पिछड़ी जाति के मुश्किल से प्राध्यापक हो पाए थे, लेकिन एक मुश्त 2003 में हमारे सतत संघर्ष के कारण 104 में 91 आरक्षित कोटा के प्राध्यापक नियुक्त हुए जो इन लोग मौजूद हैं। कारण क्या था, कारण बहुत सिंपल था, हम पटना विश्वविद्यालय के आरक्षण पदाधिकारी थे, रोस्टर तय करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। जब रोस्टर हमने तय किया तो रोस्टर के आधार पर बैकलॉग के साथ करीब करीब हमने 75% आरक्षण दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की सीमा 50% थी। नियुक्ति भी हुई, यह मामला हाई कोर्ट में चला गया, मृदुला मिश्रा के बेंच ने हमारी बात को कंफर्म किया, हमारे यहाँ जो उस समय पटना विश्वविद्यालय के जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि आपने बहुत गड़बड़ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का नियमन है कि आरक्षण की सीमा 50% अधिक नहीं हो, आपने 75% देकर सुप्रीम कोर्ट का मानना किया, आप बच नहीं सकते। हमने कहा कि वकील साहब आप रिसेंट जजमेंट पढ़िए, जो जो अभी संविधान आरक्षण संबंधी जो संशोधन हुआ, और पढ़ने के बाद
जो एफिडेविट हमने यूनिवर्सिटी की ओर से बनाया था आरक्षण के पक्ष में, उसके आधार पर वो सही निकला। मृदुला मिश्रा ब्राह्मण होकर भी 75% आरक्षण के सिद्धांत को स्वीकारा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहां भी हुआ। मित्रों, देश के इतिहास में यह पहली घटना थी कि संविधान के 81वें संशोधन के बाद, जहां नियमित आरक्षण में 50% की सीमा थी और बैकलॉग में कोई सीमा नहीं, इसका लागू करने वाला पटना विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था। और शायद यही अंतिम हो गया, क्योंकि जब तक मैं हम इस बात पर कहना चाहते हैं कि आरक्षित वर्ग जब तक ना पढ़ेंगे ना अपनी जानकारी पैदा करेंगे, केवल सुनी सुनाई बात पर केवल भाषणबाजी करेंगे, इससे सत्ता आगे नहीं चलेगी। हम चाहते हैं आप मेहनत करें, आप पढ़ें, अपना अधिकार को लड़ें। आज आप खुला मन से हम बोल रहे हैं, सभी लोग बैठे हैं, पत्रकार भी बैठे हैं, और सबके सामने यह बात कर हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि 104 में से 91 वैकेंसी आरक्षित कोटा के टीचरों को गया, और वह भी संविधान के अनुसार। हमने कोई बेईमानी नहीं की, कोई पक्षपात नहीं किया, और हमारे निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी मोहर लगा दी। मित्रों, आज भी स्थिति यही है। नीतीश कुमार जब बीपीएससी में तीन तीन भूमिहार को सदस्य और अध्यक्ष बनाया, नहीं खुला। हम विरोधी यदि अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग अपने हक के लिए अपने हक को खोया, तो उसके लिए सरकार और केंद्र सरकार दोषी नहीं है, उसके लिए हम दोषी हैं। हम संगठित नहीं होते, हम जागते नहीं है। लालू जी ने अकेले, हम राजद के समर्थक नहीं है, लेकिन लालू जी ने अपने कर्म बल पर जो अधिक पिछड़ा का सम्मान दिया, सम्मान देने के कारण लोगों की नजर में चढ़ गए, आज जेल में है। आज हम उनके प्रति भी आभार नहीं प्रकट कर पाते हैं। उनसे बड़े बड़े डकैत बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, जिन पर कोई कुछ नहीं किया, बिहार में बाहर छोड़ दिए, बिहार में मौजूद हैं। मित्रों, लालू यादव को पिछड़ा वर्ग को जगाने, उनके जवान देने के कारण आज दुर्गति हुई, लेकिन हम आप चुप्पी साधे बैठे हैं। हम कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहे। आज अभी उन्होंने सबने सुरेश शर्मा जी ने जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी की तारीफ की, उन्होंने हिम्मत की इस मंच पर आने की। जस्टिस राजेंद्र प्रसाद तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बहुत हिम्मती, और हर संगठन में जब भी, चाहे वह पिछड़ा का संगठन हो या अति पिछड़ा का संगठन हो, दलित बुलाए बिना डर भय के मंच पर जाते हैं, उनकी बात करते हैं। ऐसे महापुरुषों को हम लोग अभिनंदन करना चाहिए। और समाज में जब हम लोग जाते हैं, डर के मारे कई लोग हम तो बोलते, हमने सुना कि शिवजीत ठाकुर जी ब्राह्मण है, कोई कहता भूमिहार है कि नहीं नहीं बिल्कुल हजाम है, क्यों? उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि साहस रखना और बेबाकी से बोलने का अधिकार केवल ब्राह्मण भूमिहार राजपूतों को होता है। हमने कहा ये नहीं, ये प्रतिभा किसी जाति की बपौती नहीं, बल्कि कर्मवीर का अर्जित या अपनी नीति उपलब्धि होती है। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं अति पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग की जो हकमारी हो रही है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं या मांग करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने हक के लिए आगे आए, केवल सेमिनार करके नहीं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी नीतीश कुमार और केंद्र सरकार की आलोचना करें, ताकि ये जनमानस में जाए कि अति पिछड़ा सोया नहीं है, थोड़ा जगा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।